So hello everyone, this is Renu again from Is My Idea. So जैसे कि मैंने आपको last time बताया था कि आप अपने सब संतरे के छिलके और नींबू के छिलके ऐसे सब संभाल करके रखिएगा, तो hopefully आप लोगों ने सब संभाल के रखे होंगे, और अगर नहीं रखे हैं संभाल के तो आज से रखना शुरू करिए। तो हम लोग जो ये all purpose cleaner बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए वाइट वेनेगर। तो आप एक वाइट वेनेगर की बड़ी बोतल लेके आइएगा, जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी हम ये क्लीनर बनाएंगे, इससे आप कुछ भी चीज़ें साफ कर सकते हो अपने वॉशरूम में, दरवाजे, काउंटर टॉप, सभी कुछ। ओनली ये रिकमेंडेड नहीं है नेचुरल स्टोन के लिए, तो जो भी रियल स्टोन वाला है जस्ट लाइक अ मार्बल वगैरह, उसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज इट्स लाइक अ पावर हाउस, बिकॉज विनेगर जो होता है इस नेचुरल क्लीनर है। ये मैंने नेचुरल ये क्लीनिंग क्रीम बनाई है, मैं ये भी आपको बताऊंगी कैसे बनती है। तो इसके लिए आपको कोई भी आप डिफरेंट फ्लेवर में आप बना सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगी आज कि करना क्या है इसको बनाने के लिए। इसके बाद आप अपने आप ही इन्वेंट करिए कि आपको कौन सी फ्लेवर पसंद है, कौन सी खुशबू में आपको पसंद है, तो वो हम बनाएंगे। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैं सारे के सारे नींबू काट करके ये मैं पानी में बॉईल करने डाल रही हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं लेमन क्रीम बनाने की। इट्स अ वेरी पावरफुल क्लीनर, तो इसको मैंने बॉईल करने छोड़ दिया, इसको मैं हाफ एन आवर बॉईल कर। तो ये अब हम बनाना शुरू करेंगे ऑरेंज क्लीनर। तो ऑरेंज क्लीनर के लिए मैंने क्या किया, सारे संतरे के छिलके ऐसे काट के इसे बॉटल में भर लीजिए आप अच्छे से, और फिर उसके इसमें आप संतरे के छिलके, मौसमी के छिलके, जो छिलके भी ऑरेंज मतलब सिट्रस फ्रूट के छिलके हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको पूरा का पूरा विनेगर से भर के, वाइट विनेगर से भर के आप इसे ढक्कन लगा करके किसी डार्क प्लेस में जहाँ पर सनलाइट ना जाती हो वहाँ पर स्टोर कर दीजिए। तो ये ऑलमोस्ट 15 डेज में बन के तैयार होगा। तो अब हम ये बनाएंगे पाइन फ्लेवर का। तो इसमें मैं पाइन डालूंगी और ऑरेंज और विनेगर हमने डालना है। तो होता क्या है, ये 15 दिन के लिए हमें इसलिए छोड़ना पड़ता है जिससे कि जो संतरे के छिलके या नींबू के छिलके जो भी हैं ये अपना ऑयल कम्प्लीटली रिलीज कर दें। सो हमारे नींबू भी उबल करके बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इनको छान लेते हैं। और छानने के बाद अब हमें मिला ये जूस इसमें से, ठीक है ना। अब ये जो जूस है ये हम भरेंगे पानी, कोई भी आप ग्लास कंटेनर ले लीजिए उसमें आप भरिए इसको, और इसको हम भरेंगे आधा आधा, बाकी हमने इसको पूरा भरना है विनेगर से। तो इस टाइम पर आपका जो भी पसंदीदा फ्लेवर है, जो आपको पसंद है, जिसकी खुशबू, जैसे आप इसमें मिंट भी डाल सकते हैं, आप इसमें रोजमेरी डाल सकते हैं, आप इसमें सिनेमन डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, और स्टार नीश डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद है ना वो इस टाइम पर आप वो इसमें डालिए। और इसको बंद करके ना, बॉटल को अच्छे से बंद करके इसको आप किसी भी डार्क प्लेस में रखिए जहाँ सनलाइट ना आती हो, और ये 15 दिन के बाद आप देखिएगा इससे इतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी और इतना अच्छा ये क्लीनिंग के लिए बन जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है दोनों के दोनों, मैं भी खाली लेमन ही डाल रही हूँ इसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो अब आपने ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है ना, क्लीनर बनाया है, आधा ये लेना है, आधा पानी लेके डाइल्यूट करना है और अपनी स्प्रे बॉटल में डालिए एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तो ये जो है इस ऑल नेचुरल, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इस पेट फ्रेंडली। अगर आपके घर में पेट हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके खिलौने आपने साफ करने हैं, कुछ भी करने हैं, आप इससे करिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। और आप फ्लेवर अपना बनाइए, लाइक यू नो जैसे हम गोरमे मील बनाते हैं ना अपनी पसंद की चीज़ें डाल के, तो इस तरह से आप अपना क्लीनर बनाइए और यूज़ करिए सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। आप अगर मॉप कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी जैसे एक डिब्बी एक ढक्कन इसको डालिए और उससे पोछा मारिए, तो बहुत ही अच्छा सा साफ होगा आपका फ्लोर। आपको पता चलेगा जब आप फ्लोर में चलोगे ना, फ्लोर में क्रिस्पीनेस आएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ये लेमन क्रीम कैसे बनाएंगे और इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो हमने वो जो एक्सट्रैक्ट मेरा सारा निकला था ना, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया बिल्कुल चटनी के जैसे, और उसमें मैंने डाला विनेगर, विनेगर डाल के पीसा है पतला, बिल्कुल बना के बिल्कुल महीन पेस्ट मैंने बना लिया। और अब आप इसको एक बॉटल में भर के रख लीजिए। तो आपने इसको यूज़ क्या करना है, जैसे आपके घर में कोई मेटल के हमारे पास होते हैं ना, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, उनमें लगा करके इसको चमकाइए बिल्कुल। और अगर आपके घर में कोई भी वाइट कलर की बेड शीट है,
और जैसे होते हैं ना व्हाइट बेडशीट या व्हाइट टॉवल में कोई दाग लग जाते हैं, तो आपने क्या करिए, ऐसे करके एक कप में लीजिए, उसमें और विनेगर डालिए और एक चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा डालिए, और फिर इसमें अपने जो भी वाइट आपके टॉवल्स हैं या बेडशीट हैं उनको इसमें भिगो करके रखिए, और फिर आप नॉर्मल, आप एक जैसे लॉन्ड्री करते हैं ना, जैसे नॉर्मल तरीके से धोते हैं वॉशिंग मशीन में डाल के, वैसे धोइए, तो आप देखेंगे कि आपके जो बेडशीट हैं टॉवल हैं उसमें से सारे एकदम से ना वो एकदम ब्राइट वाला वाइट, शाइनी वाइट आपका चमक करके आएगा। लोग इसको बनाइएगा ज़रूर, इट्स अ बिग सेविंग एज वेल। तो साथ में आप घर का जो ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं इसे हेल्दी है और सेविंग भी है, तो बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो एंड कॉमेंट भी कर दिया करो कभी कभी कि कैसा लगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच।